है व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। आप लोग थंबनेल और टाइटल देख के समझ गए होंगे कि आज का ब्लॉग किस टॉपिक पे बनने वाला है। तो गाइस, आप लोग जानते होंगे छोटू दादा को, जेके इंटरटेनमेंट चैनल से था। तो गाइस, आज उनका ब्लॉग, उनका चैनल ब्लॉग हो गया। तो गाइस, उनका ब्लॉग में कितना 33 मिलियन व्यूज थे सब्सक्राइबर। तो गाइस, आप समझ सकते होंगे कि कितना बड़ा एक्टर है छोटू दादा। काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया था और 30 मिलियन, आप समझ सकते होंगे, 30 मिलियन सब्सक्राइबर मायने रखता है कि छोटे मोटे एक्टर नहीं थे, बहुत बड़ा एक्टर थे छोटू। तो आप सब आप देख के ही समझ सकते होंगे, बहुत ही बड़ा एक्टर है। तो गाइस, आप लोगों से विनती करता हूँ कि उसका चैनल फिर से वापस आ जाए, क्योंकि इतना बड़ा चैनल, इतना बड़ा यूट्यूब फैमिली, यार समझ सकते हो, बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया था और जाने माने यूट्यूबर था। यूट्यूबर चाहे छोटा हो या फिर बड़ा हो, चैनल किसी का भी हो सकता है। आजकल के बहुत सारे ऐसे फ्रॉड लोग हैं, क्योंकि फ्रॉड लोग से बिल्कुल बच के रहना है। इतना मेहनत करने के बावजूद, अगर समझ सकते हो ना, इतना मेहनत करने के बाद अगर आपका चैनल अगर कोई फ्रॉड कर लेता है, या फिर YouTube तो नहीं कर सकता, लेकिन YouTube भी ऐसा कंडीशन है, अगर आप बीच में अगर कॉपीराइट वीडियो या फिर कुछ करते हैं, ऐसे में बहुत चांस रहता है ब्लॉग होने का। लेकिन छोटू दादा ऐसा है कि वो कभी कॉपी किया ही नहीं है, क्योंकि वो अपना खुद का मेहनत से जितना भी किया था, इतना आगे तक गया था, उसका नाम ऊंचा हुआ था, गांव वालों का नाम रोशन किया था, बहुत ज़्यादा मेहनत किया। अभी दूसरा चैनल भी है, मैं भी उसका बहुत ही ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं, और उम्मीद करता हूँ कि उसका चैनल जेके इंटरटेनमेंट वापस हो जाए। ऊपर वाले से भी विनती है कि उसका चैनल वापस कर दे, बहुत ही मेहनत किया था, क्योंकि बहुत पहले से ही यूट्यूब से लगा हुआ उसका वीडियो बहुत पहले से आ रहा था, देखने को मिल रहा था। लेकिन क्या पता उसके साथ कौन फ्रॉड ऐसे किया है, कि मुझे भी नहीं पता, अगर पता होता तो आप लोगों को बता देता। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के साथ ऐसा ना हो, चाहे यूट्यूबर बड़ा हो या फिर छोटा हो। तो दोस्त, कभी आप गलत मत करना यार ऐसे, अगर इतना मेहनत करने के बाद अगर ऐसा हो जाता तो बहुत बहुत दुखी फील होता है, आप समझ सकते हो, इतना मेहनत करने के बावजूद। तो गाइस, आप लोग तो देखे होंगे छोटू दादा का वीडियो, देख लेना अगर नहीं देखे हो तो। जेके इंटरटेनमेंट अभी कुछ दूसरा चैनल से चला रहा है, छोटू दादा करके अगर यूट्यूब में सर्च करते हो तो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो गाइस, ये बहुत बड़ा एक्टर है यार छोटू दादा, और देख ही सकते होंगे इसका कितना कॉमेडी है, बहुत बड़ा कॉमेडी है छोटू दादा। ये इसका वीडियो ही देख के आप समझ जाएंगे कि इसका 30-30 मिलियन सब्सक्राइबर बनाना आम बात नहीं है, इतना बड़ा यूट्यूबर मायने रखता है छोटू दादा को। वैसे तो बहुत सारे यूट्यूबर हैं, लेकिन छोटू दादा के जैसे देख सकते हो आप लोग, इतना छोटा सा है बाना, इतना एक्टर डायरेक्टर कॉमेडियन है, कॉमेडियन ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेडी वाला ही वीडियो बनाता है, यह मज़ा आता है इसका वीडियो देखने के लिए। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग देख सकते हैं, छोटू दादा करके सर्च कर देना, तुरंत आ जाएगा आपको फोन में, देखना कितना कॉमेडी वाला वीडियो बनाता है। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपके साथ ऐसा धोखा मत हो। तो गाइस, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रहा है यार, तो करना पड़ेगा मुझे वीडियो को यहीं पे एंड। तो गाइस,
वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब एवं रेड कलर के आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि सबसे पहले मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अगर सबसे पहले मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो आप लोग सबसे पहले मेरा वीडियो देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना करेगा रेड कलर के सब्सक्राइब को कर देना है क्लिक, और उसमें से ऑल नोटिफिकेशन आएगा उसको भी कर लेना है क्लिक। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। तो गाइस करते हैं वीडियो को यहीं तक एंड, तब तक के लिए बाय बाय, ओके, थैंक यू।